क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गए। तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रात को कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। तुझे पता है ना, मैं जब नशे में होता हूँ तो ब्यूटीफुल लड़कियों को मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा तो फिर हुआ क्या, उन्होंने तुम्हारा फोटो लेके तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्या? मैं और क्या करता, कागला को देख लेने देता। थोड़ा कंट्रोल रख लिया करो ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है उसे इजमिर गए हुए, और तुम कहते हो उससे प्यार करते हो, ये प्यार है? सिर्फ प्यार की वजह से मैं एक ही लड़की के साथ रहूं? नॉट फेयर ब्रो। एक बात बताऊं, इस बार तो तुम गए। एब्सोल्युटली नॉट। मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा तुमने, मेरी गर्लफ्रेंड? देखो प्लीज मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। ला चुका हूं मेरे भाई, चल ऑफिस में मिलते हैं। प्लीज बुराक, बुराक काम हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया ड्रीम मैन। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? बकवास बंद करो और जाकर उससे ऑर्डर लो। मैं क्यों लूं? तुम जाओ ना। ऐसा ही करती रही तो तुम्हें कभी कोई नहीं मिलेगा, समझी? मैंने कब कहा कोई चाहिए, मैं जैसे हूँ खुश हूँ। ऑर्डर ले भी लिया तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ोगी और वो वहां पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बातें करते वक्त तुम दोनों की निगाहें मिलेंगी। शायद तुम उसे इतनी पसंद आ जाओ कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहे। जब हाथ एक दूसरे को छुएंगे तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा और तुम दोनों एक दूसरे में खो जाओगे। तुम दोनों को एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगेगी। फिर तुम दोनों खुद को एक दूसरे की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाओगे, वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर तुम्हें किस कर लेगा। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं आसले, क्यों? क्योंकि ऐसा सब सिर्फ रोमांटिक मूवी में होता है। एक प्रिंस कभी गरीब लड़की से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा तुम सोचती हो। मुझे वो वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए प्लीज। और हाँ एक और बात, आपके केक्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच, असली केक बनाती है। क्या सच में? बहुत टैलेंटेड हैं आप। थैंक यू, एंजॉय। तरफ मत देखो, मैंने सही कहा था। केक रेडी है गर्ल्स, ठीक है? प्लीज शांत हो जाइए सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपका ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया है, पर आपको बॉस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑर्डर बस अभी भेज रहा हूं, बहुत जल्दी आपको केक मिल जाएगा। तैयार हुआ कि नहीं? अभी हो जाएगा सर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ। निहत सर आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू। डैड अंकल आ चुके हैं, बुराक भी आता ही होगा, मैं जाकर उसे थोड़ा मिल आता हूँ।
और आप भी थोड़ा अंकल को समझाइए। इस बार तो बुरक गया, हर बार बच जाता है। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, हर बार मैस वो क्रिएट करता है और सफाई हमें करनी पड़ती है। उस पे गुस्सा भी नहीं हो सकता, मैं भी जवानी में ऐसा ही था, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? भाई क्या हो गया? आसले? आखिर हुआ क्या? पूछो भी मत गौंजा, मेरी नौकरी गई। ये सब हुआ कैसे? रास्ते में एक साइको मिल गई थी, उस बेवकूफ की वजह से। यार पागल थी वो लड़की, एकदम से कार के सामने आई और मुझे ब्लेम करने लगी। उसके बाद तो तुम्हें दिख ही रहा है क्या हुआ। क्या मतलब? ये सब उसका काम है? अच्छा किया तुमने, उसका कांच भी फोड़ देना। उसे लगता है कि वो अमीर है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। हाँ, जब उसने मेरी कार देखी वो मेरे सामने आ गई। ये सब उसका प्लान था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसने मुझे केक के पैसे देने की कोशिश भी की, मानो पैसों से वो केक वापस आ जाएगा। उस बेवकूफ को पैसों का घमंड बहुत है, बदतमीज। ब्रो मैं उसे केक के पैसे तक दे रहा था, पर शायद उसे वो भी कम लग रहे थे। पागल है वो, साइको कहेगी। एक बात बताऊं, तुम सस्ते में छूट गए भाई। जाने दो, इससे भी बुरा हो सकता था। तुम ही बताओ कैसे हो सकता है, अब मैनेजर मुझे निकाल देंगे। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? सर मैं आपका ऑर्डर भेज चुका हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं सर। निकालना तो छोड़ो, वो तुम्हें मार भी सकता है। भाग लो यहाँ से। असली इधर आओ जल्दी। कार को गैराज में ले जाओ और ठीक करवा लाओ। ओके सर। डैड आ गए क्या? हाँ, और शायद वो अभी न्यूज़ ही पढ़ रहे होंगे। सिर्फ अंकल ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जरा इसे देखो, कितनी बार कर चुका है। हम भी कभी जवान थे, उसकी उम्र में मैं काम भी कर रहा था और स्कूल भी जा रहा था और फैमिली को भी देख रहा था। पता है भाई, समझता हूं। जवानी में इधर उधर घूमना, ड्रिंक करना, मजे करना और लड़कियों को घुमाना, उनके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, पर जर्नलिस्ट पर हमला करने का क्या मतलब है? ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब यही सब देखना बाकी रह गया था। हमारा भी नाम है, हमारी इज्जत है। एकदम ठीक कहा। और काम का क्या? नहीं, स्कूल का क्या? वो भी नहीं। और क्या, बस ऐसे ही घूमता रहता है। देखो ये सब खत्म करना ही होगा। देखो वोल्कन भी तो यंग है, पर दोनों कितने अलग हैं, जबकि दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मुझे गलत मत समझना भाई, पर तुमने उसे बिगाड़ा है। कॉलेज खत्म हुए एक हफ्ता हो गया है और वोल्कन काम भी करने लगा है। वो बोधरम जा रहा है और हमारे नए होटल में काम करेगा और वहां का सारा काम खुद संभालेगा। और मेरा बेटा छुट्टी मनाने अमेरिका जा रहा है। बट यू आर राइट, मैंने उसे बिगाड़ा है, हम सब ने बिगाड़ा है, सबकी गलती है। डैड, आई गेस आप कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, मैं बाद में मिलता हूं। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बुराक, अंदर आओ। तुम नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो ना? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी भी पेपर में तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी खबर नहीं देखना चाहता। फ्रंट पेज पर हो तुम। डैड आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है क्या? आप प्लीज इतना ओवर एग्जैजरेट करके मत बताइए। और ये भी सीरियस है, मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, मैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया हूं, पर तुम जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हो और जर्नलिस्ट पर हमला करते हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अब बहुत हो गया। सबसे पहले जब तक तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता तुम कार को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी मुझे चाहिए, सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहा हूँ। तुम वोल्कन के साथ बोधरूम जाओगे और वहां जाकर हमारा नया होटल संभालोगे। वोल्कन तुम पर नजर रखेगा,
डैड आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं अगले हफ्ते स्टेट्स जाने वाला हूँ, सब तय हो चुका है राइट? अमेरिका? भूल जाओ अमेरिका अमेरिका। बोधरूम में नहीं भेजना चाहिए तुम्हें, पर ठीक है, वहाँ कम से कम तुम बिजी तो रहोगे क्योंकि काम करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? डैड मुझे होटल संभालना नहीं आता। सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। डैड, डैड ये आइडिया आपने उन्हें दिया ना? बुरा को मत बताना। तुमने तो कहा था तुम रेडी हो। अभी आ रहा हूं भाई। I love you so much. क्या तुम? मौलकान, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता है, मैंने जल्दी पूछ लिया। हमें अभी शादी करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आराम से शादी कर सकते हैं। मौलकान तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मेरा करियर है, मेरे ड्रीम्स हैं, प्रायोरिटीज भी। आई एम सॉरी, फिलहाल मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। चले ब्रो। क्या तुम पार्टी करने के लिए तैयार हो? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, बस कुछ खाकर सोना चाहता हूँ। ब्रो जगह तो काफी अच्छी लग रही है। दिखा ना क्या हो रहा है, ये सब मत क्या करो यार। हाँ तो अब इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम बस रात के लिए तैयारी तो हो रहे हैं। आसले, मैं तुमसे
पहली नजर में ही प्यार करने लग गया था। मैं भी। पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं। मुझे खुशी है आपको अरेंजमेंट अच्छी लगी। इस ओपनिंग से पहले हम एक रिहर्सल करना चाहते हैं। हम रूफ बार पर ओपनिंग करने की सोच रहे हैं और आर्किटेक्ट जो है वो आज आने वाला है ताकि हम मॉडिफिकेशन पर उसकी राय ले पाएंगे। तो क्या आप मीटिंग अटेंड करना चाहेंगे? मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर बराक। गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे भाई? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? अरे यार फिर से। मर गए तुम। इस बार अंकल निया तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले। सिर्फ डैडी नहीं ब्रो, लास्ट फोटो देख के तो मॉम की भी हालत खराब हो गई। इस वाली फोटो की बात कर रहे हो ना तुम? जाहिर सी बात है वो तुम्हारी माँ है और वो चाला को लेकर भी वरीड तो होंगी। हाँ, मॉम ने कहा कि कागला से ब्रेकअप हुआ तो मुझे माफ नहीं करेगी। वो सही है, अगर मॉम का सपोर्ट नहीं मिला ना तो मैं तो गया। ये न्यूज देखने के बाद चागला तो पागल हो जाएगी। पहले ही उसे ये लगता है कि मैं अमेरिका ट्रिप के बारे में उससे झूठ बोल रहा हूँ और अब ये सब। लेकिन कल रात तो तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो उस लड़की को जानते तक नहीं हो। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना भाई? देखा, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। चागला देखेगी तो सोचो क्या होगा। तुम जानते हो तुम्हें देखकर किसकी याद आती है? किसकी? भेड़िया आया कहानी वाले लड़के की। अब तुम भी मजाक उड़ा रहे हो। सही है। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो यार? हाँ तो फिर क्या करूं, कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा। ये सब उस लड़की की गलती है, देखो कैसी सिचुएशन में फंसा दिया। सुनो भाई, इतनी टेंशन मत लो, अब चलो मसाज लेने चलते हैं। चलो, वैसे भी आज होटल में पार्टी है और तुम्हारे बिना कौन सी पार्टी होती? पार्टी है? चलो अब मेरा मूड थोड़ा बेटर हो रहा है। तुम कभी नहीं सुधरोगे, बड़े ही ठीक हो। चलो आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम सर से टकराई थी। मैं ठीक हूँ, मैंने देखा नहीं। तुम्हारे सर पे चोट लगी है, अब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अरे तुम तो वही केक वाली हो ना? हाँ। अरे वाह, मतलब अब तुम यहाँ हो। थैंक यू। बस मामूली सी खरोंच है, शाम तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए। अरे तो क्या हो गया, पानी ही तो था, पूल में जाके भी तो गीला होना ही था। ओके, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पानी ले आती हूँ। हाँ हेलो। हेलो मिस्टर वोल्कन, रूफ पार्टी के लिए मॉडिफिकेशन करने के लिए आर्किटेक्ट यहाँ आ पहुंचा है, क्या आप मीटिंग अटेंड करना चाहेंगे? ओके, मैं बस अभी आता हूँ। ये लीजिए। And I'm really very sorry. कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो ना? आसले? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर। वो मेरा नाम जो अंता है, बेहोश होने वाली हूँ मैं। इस साइको को यहाँ नौकरी किसने दी? हमारे ऑक्शन पर नहीं आए थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। I'm sorry, मुझे कॉल लेना होगा। हाँ बोलो चला। हेलो वोल्कन, बुरक फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हारे साथ है? नहीं वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसका थोड़ी देर पहले कॉल आया था। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है और मैंने उसे पिक करने के लिए गाड़ी भी भेज दी है। लेकिन बुरक ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। मैं बोर्डरूम आ रही हूँ, मैं जल्दी निकल रही हूँ। वोल्कन क्या तुम प्लीज बुरक को बता दोगे? अच्छा सच में, मुझे पता नहीं था। ठीक है मैं उसे बता दूंगा फिर। ओके, तो मैं वहां आकर मिलती हूँ। ओके सी यू, आराम से आना।
अच्छा हुआ हम वेकेशन पर आ गए। यस माय लव, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम और 2 दिन रुक जाएं। हमें वापस जाना होगा, बहुत काम पड़ा है। प्लीज वोल्कन, 2 दिन की ही तो बात है, प्लीज हाँ कह दो। मैं तुम्हें कभी ना कह सकता हूँ क्या? ठीक है, हम जरूर रुकेंगे। इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ वोल्कन, आई लव यू टू। हेलो गोंजा, आसले कैसी हो तुम? गेस करो मैं कहाँ हूँ। बुराक, तुम कहाँ चले गए थे यार? ये भी कोई तरीका होता है? पूछो मत यार, दिन भर तुम्हारे लिए चक्कर चलाने में बिजी था। बाय द वे, वो लड़की मान गई है? कौन सी लड़की? चागला यहाँ आ रही है। पता है उसका कॉल आया था। उसने तुम्हें कॉल किया? हाँ, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था इसलिए मुझे कर दिया। क्या कहा उसने? मैंने कहा तुम्हारा फोन बंद है और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे पता है उसने वो न्यूज़ देख ली है और इसीलिए वो आ रही है। हाँ पगला गई है वो, लड़की से मिलना चाहती है। कौन सी लड़की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और कौन? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई? मैंने चागला से कहा कि मेरे साथ जो लड़की थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब वो उससे मिलना चाहती है इसलिए वो यहाँ आ रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिलने। कौन सी गर्लफ्रेंड यार, मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारे लफड़ों में मत खींचा करो, क्यों नहीं समझते? प्लीज इस बार बचा लो भाई। बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों, तुम्हें सिर्फ पार्टी में उस लड़की के साथ आना है? झूठ बोलते वक्त मुझसे पूछा था? अरे मेरे भाई, मुझे क्या पता था चागला यहाँ तक आ जाएगी? पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, और वैसे भी वो लड़की मान गई है। देखो मुझसे ये प्यार व्यार का नाटक बिल्कुल नहीं होता, और अनजान लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो मिलो ना, मिलोगे तो आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगी, बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है। आज सुबह तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। ओके यू आर राइट, वो सर दर्द है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी मॉम मुझसे बहुत नाराज है यार, और अगर चागला उस लड़की से नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, समझो यार, मान जाओ ना यार प्लीज। बस ये आखिरी बारी करूंगा मैं। मतलब तुम तैयार हो? तैयार हूँ। बुराक का कॉल था, मेरे पास भी आया, कॉल बैक करता हूँ। उठा नहीं रहा। आपकी गर्लफ्रेंड अभी तक आई क्यों नहीं है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं, लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। डांस करना चाहोगे? ओके। हाँ बोलो शुक्रान। कुछ मिला क्या? बस पूछो मत शुक्रान, जो बजट में है वो रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं मैं क्या करूँ अब। अच्छा वापस आ जाओ, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सच कह रही हो? थैंक यू डियर, थैंक यू आईसी, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, अब मुझे जल्दी से काम पर जाना है। ठीक है, कहाँ मिला काम, कैसे लोग हैं? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, शाम को कॉफी पर मिलेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, याद से भूलना मत। चलती हूँ, बाय। गोंजा बहुत टेंशन में होगी, मॉम ने भी कॉल किया होगा, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। ओके, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं तुम कोई सीरियस बात नहीं कर सकते हो, तुम सब मजाक बना देते हो। क्या तुम कभी कोई बात सीरियसली लेते हो? इसमें सीरियस क्या था? क्या मतलब, तुम जानते भी हो हमारे साथ क्या क्या हुआ है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक ही है ना? वेल बोरिंग तो नहीं था? मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी, घर से मैं इसीलिए आई थी ताकि काम करूं, पैसे कमाऊं, पर देखो कहां फंसी हूं।
तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ आसान थी, एकदम नॉर्मल लाइफ थी, बहुत अच्छे से कट रही थी। जिंदगी के पल है चार दिन के, टेंशन तुम मत लो, रह जाओगी फंस के। बड़ी अच्छी आवाज है। ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुमने कहा कुछ खास नहीं है, इतनी शराफत तुमसे उम्मीद नहीं थी। आई मीन शॉक। अभी थोड़ी देर पहले कौन सीरियस हो रहा था, अब ये क्या है? क्या कभी कभार मैं भी मजाक कर सकती हूँ ना? चलो ना, आप कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, चलो। हेलो मैम। हेलो सर। क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ कर लीजिए। तुम अपने लिए कुछ देख लो, मैं कॉल कर लेता हूँ। ओके। हेलो वोल्कन, मैं बात कर रहा हूँ। बुराक, अबे तू है कहाँ यार, हम तो पुलिस को बुलाने वाले थे। पूछो मत यार, लंबी कहानी है, फोन भी खराब हो गया। मैं एक स्टोर से कॉल कर रहा हूँ। एनीवे, मैं असली के साथ हूँ, डच में। किसी को भेजो ना यहाँ। अरे तुम लोग वहाँ कैसे पहुँच गए यार? हम जब पार्टी में थे तो हमें वहाँ से बोट पर भागना पड़ा, फिर समंदर के बीचों बीच बोट का फ्यूल खत्म हो गया। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम ब्रो? फिर तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, हम एक दूसरी बोट पर गए और वहाँ के ओनर ने हमें चोर समझ लिया। एनीवे तुम ये सब जाने दो, तुम जल्द से जल्द किसी को यहाँ भेजो ना, हम हार्बर पर होंगे। हाँ ठीक है। हाँ हेलो डैड, बुराक मिल गया है। आ गई मॉडल, नो वंडर एक घंटा लगा है इसे रेडी होने में। ऐडा आराम से अगर सुन लिया तो खा जाएगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल। What's up guys? सब ठीक है? बधाई हो, आपका यार मिल गया? हाँ ये मैंने भी सुना, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं पर मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। वो बस यहाँ आते ही होंगे। वो मतलब कौन? मेरे कहने का मतलब है कि कैप्टन और उसके लोग यहाँ आते ही होंगे। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा वोल्कन, क्या तुम साथ नहीं हो? अरे हाँ भैया, कहाँ पर है वो? अरे नहीं नहीं, हम अब भी साथ हैं, तुम चिंता मत करो, मिलवा दूंगा तुम्हें, कहा ना। कोई नहीं, देखेंगे। अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बुराक को बुला कर लाता हूँ। रुको मैं भी आता हूँ साथ में। मैं भी आऊँ क्या? तो क्या उसके स्वागत में पूरी बारात आई है? बैंड बाजा भी बुलाना है क्या? तुम्हें साथ जाना है तो जाओ, मैं वोल्कन को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। ठीक है फिर, उसे लेकर आते हैं। अब बता क्या हुआ, डाचा में क्यों थे तुम दोनों? लंबी कहानी है, अभी और इम्पोर्टेंट काम। क्या काम है? हासले थोड़ा गुस्सा हो गई है, उसने डील तोड़ दिया। क्या तुम उसे कन्विंस कर सकते हो? होटल साथ में जाओ उसके, थोड़ा बातचीत करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। तुम तो चारला को जानते हो, उसे भनक हुई तो 100 सवाल पूछेगी। हाँ जरूर बुराक सर, आपके लिए कोई और सेवा हो तो प्लीज बताइए ना। अबे तुम्हें क्या मैं नौकर लगता हूँ क्या? नौकर नहीं, मेरा यार लगता है। तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ मैं, मुझसे और नहीं होने वाला। प्लीज यार भाई ऐसा मत कर। मुझसे नहीं होगा भाई, पक्का लास्ट बार यार, प्लीज सच्ची, आज के बाद मैं कभी नहीं पूछूंगा, चलना भाई प्लीज यार। पूरा की आखिरी बार है, समझ गए ना? ओके डील। तुम जल्दी वापस आ गए। वोल्कन संभाल लेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम और वेट करो, हम ऑलरेडी काफी वक्त गवा चुके हैं। असले तुम ठीक हो? हम तो परेशान हो गए थे। हाँ हम ठीक है, बट इट वॉज लाइक अ हेल। शुक्र है कि हम सही सलामत वापस आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो उतना ही बहुत है। अब कहीं चलते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और फिर आराम से बातें करते हैं, ठीक है ना? ओके, बैग ले लेती हूँ। लाओ मुझे तो।
कोई बात नहीं है। Yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.